अहोई अष्टमी 8 नवंबर 2020 रविवार को है। अहोई अष्टमी का व्रत माँ अपने संतान की लंबी आयु खुशी के लिए रखती है। ये वीडियो खास उन महिलाओं के लिए है जो अभी तक संतान सुख से वंचित है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा गोयल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल डिवाइन सोर्स टॉक अबाउट दिस सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। अहोई अष्टमी माँ पार्वती का स्वरूप है। माएँ इस दिन अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं। जो महिलाएं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हैं, उनको भी अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा विधि विधान मैंने उसकी वीडियो बनाई है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप उस वीडियो को देखकर पूजा विधि विधान के साथ करें। अहोई अष्टमी माँ पार्वती माँ दुर्गा का स्वरूप है। अहोई अष्टमी के दिन अगर आपके घर में मंदिर में लड्डू गोपाल नहीं है, तो अहोई अष्टमी के दिन अवश्य लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में जगह दें। जानते हैं कि अहोई माता के कौन से उपाय आपको संतान सुख देंगे। अहोई अष्टमी वाले दिन माँ अहोई के सामने सफेद फूल चढ़ाएं, खीर का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि वह आपको जल्द से जल्द संतान सुख दे। अहोई माता के पोस्टर पे चांदी की 9 मोतियों की लाल रंग में माला पिरोकर माँ के पोस्टर पे चढ़ाएं। इस दिन सुबह आप बरगद के पेड़ पे जाएं, बरगद के पेड़ पे हाथ जोड़कर बरगद के पेड़ से प्रार्थना करें, हे बरगद पेड़, आप शिवा के स्वरूप हैं। मैं आपका एक पत्ता ले रही हूँ। मेरी मनोकामना है कि मैं माँ बनूं, मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें और मुझे आशीर्वाद दे। वो पत्ता लेके आप घर पर आएं। घर पर आकर उस पत्ते को जल से पानी से धोकर उस पे थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। अब आपको क्या करना है, आपको लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाने हैं, उनको बांसुरी अर्पण करनी है, उनके सामने बांसुरी रखनी है। फिर आप ये जो पत्ता है उनके सामने रखेंगे, रोली से उस पत्ते पे आप सतिया बनाएंगे। सतिया बनाने के बाद थोड़े से चावल रखेंगे और एक सुपारी रखेंगे, साथ में माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल को बोलेंगे कि जल्दी से मेरे को आप अपने जैसा एक पुत्र या पुत्री प्रदान करें। मैंने नवरात्रों में भी एक वीडियो पोस्ट करी थी संतान सुख की, दुर्गा अष्टमी के दिन, जिसको हम कहते हैं गोद भराई। तो अहोई अष्टमी भी दुर्गा माँ पार्वती का स्वरूप है। दुर्गा अष्टमी, अहोई अष्टमी, इस दिन भी आपको, जो महिलाएं मेरी पहले नवरात्रों की वीडियो देख चुकी हैं गोद भराई की, वो इस दिन भी माँ अहोई के सामने उनकी गोद भराई करेंगी। जो महिलाएं पहली बार इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए मैं बताऊंगी कि माँ की गोद भराई कैसे करनी है। माँ के सामने आप एक पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा बिछाएंगे, उस पे आप एक पानी का नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखेंगे, एक पान का पत्ता, उस पे एक सुपारी जिसको आप कलावे से लपेट कर उस पान के पत्ते पे रखेंगे, 2 लौंग, साबुत लौंग होनी चाहिए। ध्यान रहे कि लौंग के ऊपर जो उसका फ्लावर होता है वो पूरा हो। सो 2 लौंग की साबुत जोड़ी आप रखेंगे। उस लाल कपड़े पे आप पीली मिठाई रखेंगे, रुपए रखेंगे, 101, 51, जो भी आपकी श्रद्धा है आप रुपए रखेंगे, फूल चढ़ाएंगे और आप चावल लेंगे ऐसे और उस लाल कपड़े पे रखेंगे। 7 बारी आपको ऐसे करके चावल लेने हैं और उस लाल कपड़े पे आपको वो चावल रखने हैं। वहीं बैठकर फिर आप दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 पढ़ेंगे और माँ अहोई से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी झोली, आपकी गोद जल्द से जल्द भर दे। पूजा करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपने चावल चढ़ाए थे उसमें से आप एक मुट्ठी चावल निकाल लेंगे और उसे एक कांच की कटोरी में रख कर अपने मंदिर में ही रख देंगे और बाकी जो भी सामान लाल कपड़े में है उसको लपेट कर आप अगले दिन मंदिर में दुर्गा जी के सामने रखाएंगे और पीछे पलट के नहीं देखेंगे। आपने जो खीर और माखन मिश्री का भोग लगाया है वो आप और आपके पति दोनों मिलकर खाएंगे और
माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ वही माँ से प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द आपको भी संतान सुख दे, आपको भी माँ बनाए, आपकी कोख खोल दे और आपको एक बहुत सुंदर सा लड़का या लड़की आपको दें। और जो आपने ये बरगद के पेड़ का पत्ता जो लड्डू गोपाल जी के चढ़ाया सामने चढ़ाया है, एक छोटा सा पीला कपड़ा लेंगे, उसमें ये आप पत्ता सुपारी और चावल रख कर उसको गांठ बांध कर अपने तकिए के नीचे बेड मैट्रेस के नीचे रख देंगे। शुक्ल पक्ष की हर अष्टमी पे आपको माँ की झोली भरनी है, जिस तरीके से मैंने बताया है आपको वैसे माँ की माँ दुर्गा के सामने उनकी झोली भरनी है। और हर रोज आपको दुर्गा सप्तशती का अध्याय नंबर 9 चैप्टर नंबर 9 का पाठ करना है। सो चैप्टर नंबर 9 आप रोज माँ के सामने दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जला के करेंगे और आप माँ की झोली हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरेंगे। ये उपाय आपको कब तक करना है? जब तक आप कंसीव नहीं कर लेते। कंसीव करने के बाद आपने जो ये चावल अपने मंदिर में रखे हैं, ये आप चावल किसी भी मंदिर में जाके माँ दुर्गा के सामने धन्यवाद करके उनके सामने रख देंगे। तो हर अष्टमी पे जब तक आप कंसीव नहीं करते, हर अष्टमी पे आपका वो जो चावल जिसमें आप भर रहे हैं वो कटोरा बड़ा होता जाएगा। सो आप पूरे वो जितने भी चावल इकट्ठे होंगे वो चावल आप जब कंसीव कर लेंगे उसके बाद किसी भी मंदिर में जाके माँ दुर्गा के सामने उस चावल को रखाएंगे और माँ को धन्यवाद करेंगे। और जो पत्ता आपने अपने तकिए के पलंग के नीचे रखा था वो पत्ता भी आप जाके मंदिर में कृष्ण जी के सामने रखेंगे और उन्हें धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने संतान रूप लेकर आपकी गोद भरी। मेरी यही मनोकामना है कि जल्दी से जल्द जो भी महिलाएं इस संतान सुख से वंचित हैं, लड्डू गोपाल, माँ दुर्गा, गणेशा आपकी झोली जल्द से जल्द भरें। और जब आप कंसीव कर जाएं मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें और मुझे जरूर मैसेज करके बताएं कि आपने कंसीव कर लिया। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।